संत इंद्रमणि साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतपंथ आश्रम तलाव रोड जज्जर में विशाल भंडारे व सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संत कवि साहब जी की वाणियों का गुणगान किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में संत इंद्रमणि साहब जी के सभी सत्संगियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी सत्संगी भाई बहनों को संबोधित करते हुए संत इंद्रमणि साहब जी के परम सेवक संत सुरेंद्रदास महाराज जी ने बताया कि संत कबीर साहब जी की वाणियां सभी जीवों को शांति देने वाली हैं। संत इंद्रमणि साहब जी ने अपना पूरा जीवन सत्य सिद्धांत में बिताया। संत इंद्रमणि साहब जी के ऊपर सतगुरु कबीर साहब जी की पूरी दया थी। 26 जनवरी 1965 को सतगुरु कबीर साहब जी ने संत इंद्रमणि साहब जी को सत्य प्रचार करने के लिए कहा। संत इंद्रमणि साहब जी ने हरियाणा समेत देश विदेश में संत कबीर साहब जी का सत्य पर आधारित सत्संग का कार्यक्रम किया और लाखों लोगों को सत्य मार्ग पर लगाया। संत सुरेंद्रदास महाराज जी ने बताया कि विश्व सृष्टि व कुल का मालिक एक साहब है, सत्य के बिना शांति नहीं मिल सकती। संत इंद्रमणि साहब जी 10 जून 2004 को सतलोक गमन कर गए थे, इसलिए हर वर्ष 10 जून को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सत्य प्रचार सेवा समिति मीडिया प्रभारी उमेश साहब, लुधियाना टुडे न्यूज चैनल डायरेक्टर राजेंद्र शर्मा, राज सिंह सिलानी, जय दयाल गुड़गांव, हुक्मी मिलकपुर, कृष्ण प्रधान, सतीश प्रधान, प्रकाश प्रधान, युद्धवीर चेयरमैन, एडवोकेट वेद प्रकाश वर्ष, दलवीर, ओम प्रकाश रोहतक आदि मौजूद थे। आज का जो सत्संग प्रोग्राम था, ये सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी की निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है और सुबह 11:30 बजे से सत्संग शुरू हो रहा है और 4 बजे तक सत्संग चलेगा और उसमें दिन भर भंडारा किया है और कबीर साहब की शब्दवाणी, संतोष शब्दवाणी गाई गई है और सन 2004-10 जून को महाराज जी ने सही पूरा किया था। उनकी याद में आज दिन भर भंडारा चल रहा है, सत्संग चल रहा है। महाराज जी ने सतगुरु कबीर साहब जी का जीव शांति के लिए जो सत्य का संदेश था कि सत्य का प्रचार करना, वो अपने जीवन गुरु की दया से जीवन भर किया है। सतगुरु कबीर साहब जी का यही आदेश हुआ था 26 जनवरी 1965 को कि सत्य का प्रचार करो, सत्य के बिना शांति नहीं है, सत्य के बिना जीव की गति और मुक्ति भलाई नहीं है। और गुरु महाराज की दया से ये लगातार तब से ये सत्संग और ये भंडारा चल रहा है। उनकी दया से सत्संग कर रहे हैं और सत्य का प्रचार करना हमारा जो गुरु ने ड्यूटी लगाई हम उसको गुरु की दया से जीवन में निभाने का उनकी दया से कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। और 15-16 तारीख को अखंड पाठ चलेगा सत्यग्रंथ का और 17 जून को कबीर साहब का प्रकट दिवस है। संसार में जो भी आए हैं वो सब माँ के गर्भ से आए हैं, जन्म लिया है। कबीर साहब ऐसे हैं जो संसार में आए तो जन्म लिया माँ के गर्भ से, वो प्रकट हुए हैं और सभी का जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती निकाली जाती है, कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन विश्व सृष्टि के लिए, सभी साधु समाज के लिए विशेष दिन है कि सतलोक से सतगुरु कबीर साहब आकर के तीन लोग के राज में जीव जो फंसा हुआ है उसकी मुक्ति के लिए, निकालने के लिए सतलोक से कबीर साहब आकर के सत्य का प्रचार किया, सत्य का डंका बजाया और सच्चा मालिक का भेद बताया। और सतगुरु सतगुरु या मालिक या कुल का मालिक कबीर साहब ही हैं और कबीर साहब ने जी को सत्य को लिखाया, सत्य और कबीर साहब को भेद नहीं है। गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते हैं कुल का मालिक, सब का मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सत्साहिब है। सत्य का प्रचार करना संतों का उद्देश्य है, जीव को शांति देना उनका कर्तव्य होता है। तो सत्य का रास्ता पर चल के ही सारा संसार एकता घंटता के रास्ते पर चलेगा और बनी रहेगी और सत्य ही शांति मिलेगी। ये तो संसार का ये तेरा मेरी भेदभाव, जातिवाद, रूढ़िवाद, ये आपस में ये भिन्नता है, ये दूर नहीं हो सकती। कबीर साहब को उद्देश्य ही सत्संग प्रचार से ही सब दूर हो गया। बोलो सच्चा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सत साहब की रिपोर्ट, हरियाणा।